जल ही जीवन है, ये बात हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं। ये महज एक कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। बिना पानी के हम एक दिन भी जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। पीने के अलावा हम पानी का इस्तेमाल अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक भूजल का उपयोग करने वाला देश है। भारत में अनुमानतः भूजल का 85% कृषि में, 5% घरेलू तथा 10% उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। भयंकर भूजल दोहन के कारण 2007 से 2017 के बीच देश में भूजल स्तर में 61% तक की कमी आई है। ये स्थिति वाकई चिंताजनक है, लिहाजा पानी को सहेजने के लिए हमारे देश की सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें से एक सार्थक प्रयास है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। दरअसल रोजाना के उपयोग के बाद जो गंदा पानी नालियों में बहता है वो दो प्रकार का होता है, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर। नहाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने और साफ सफाई जैसे रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल के बाद जो पानी नाली में आता है उसे हम ग्रे वाटर यानी धूसर जल कहते हैं। जबकि शौचालयों में इस्तेमाल होने के बाद जो पानी गटर में जमा होता है उसे ब्लैक वाटर कहा जाता है। ब्लैक वाटर की अपेक्षा ग्रे वाटर कम दूषित होता है और इसमें जीवाणुओं की संख्या भी कम होती है, लिहाजा इसे दोबारा इस्तेमाल करना आसान है। इसके लिए हमें इस पानी का सही प्रबंधन करना होगा ताकि ये दोबारा इस्तेमाल हो सके। ग्रे वाटर मैनेजमेंट ये कहता है कि धूसर जल का प्रयोग हम खाना बनाने, पीने या नहाने में नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम साफ सफाई में, सिंचाई में, मछली पालन में और शौचालयों में करें तो इस छोटी सी कोशिश से हम बड़े पैमाने पर साफ पानी का संरक्षण कर सकते हैं। अब आपको धूसर जल को सहेजने और इसे दोबारा उपयोग करने की कुछ बारीकियां बताते हैं। धूसर जल को हम कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रसोई और नहाने और कपड़े धोने वाले पानी की निकासी नाली में की जाए, एक ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्लांट बनाकर धूसर जल को इसमें जमा किया जाए और जरूरत के मुताबिक इसे विभिन्न कामों में उपयोग किया जाए। अपने घर में एक छोटा सा सोक पिट बनाकर भी हम शोधित कर सकते हैं और साथ ही वाटर रिचार्जिंग भी कर सकते हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट अगर घर के स्तर पर न हो पाए तो इसको समुदाय या गांव के स्तर पर किया जा सकता है, जिसके लिए बहुत सारे उपाय उपलब्ध हैं, जैसे कि सामुदायिक सोक पिट, वेस्ट स्टेबिलाइजेशन पॉन्ड एटसेट्रा। ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रणाली के जरिए हम घरेलू पानी को व्यर्थ बह जाने की जगह खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे देश की सरकार भी ग्रे वाटर मैनेजमेंट यानी धूसर जल प्रबंधन का काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों में कई कारगर योजनाएं भी शुरू की हैं। बड़े शहरों में घनी आबादी के मुताबिक पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है, ऐसे में सरकार ने ग्रे वाटर मैनेजमेंट को लागू करते हुए सोसाइटी मालिकों और बिल्डर्स को भी ग्रे वाटर टैंक बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि रसोई और बाथरूम में पानी को सहेज कर, शोधित कर दोबारा उपयोग में लाया जा सके। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी सरकार विज्ञापन के जरिए लोगों को धूसर जल को उपयोग करने के तौर तरीकों और इससे होने वाले फायदों के बारे में जानकारियां दे रही है। साथ ही धूसर जल प्रबंधन पर मुफ्त परामर्श के लिए सरकार की तरफ से विशेषज्ञों की टीम भी गांवों में उपलब्ध है। अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट से हमें क्या लाभ होगा और इससे बड़े स्तर पर क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लाभ। खाना बनाने और पीने के लिए हम भूजल पर आश्रित हैं और ऐसे में कुदरत से जो साफ पानी हमें मिलता है उसका सही इस्तेमाल होगा। गाड़ी धोने, फर्श धोने और शौचालयों में इस्तेमाल करने से जो साफ पानी बर्बाद हो जाता है उसे रोका जा सकेगा। उपयोग के बाद रोजाना लाखों लीटर पानी नालियों के जरिए नदियों तक पहुंचता है, जिससे नदियां दूषित होती हैं। धूसर जल प्रबंधन से बढ़ते जल प्रदूषण पर रोक लगेगी। गांवों में नालियों का पानी गड्ढों और तालाबों में जमा होता है, जिनमें खतरनाक कीट और मच्छर पैदा होते हैं। ये बीमारियों का कारक बनते हैं। हमारी सूझबूझ से इन पर भी रोकथाम हो सकती है।
पानी के सही इस्तेमाल से हम गिरते भूजल स्तर को भी रोक सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट यानी धूसर जल प्रबंधन हमारे लिए कितना जरूरी है। देश को जल संकट से बचाने के लिए जल संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी है। बूंद बूंद का मोल पहचानिए, क्योंकि जल है तो कल है।